हेलो कैंसर्स, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप कैसा फील करें, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर लव लाइफ कैसी एनर्जीज हैं। सो यहाँ पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं द थ्री ऑफ एक्शंस के कार्ड है, जो इंडिकेट करता है कि मे बी यू नो, अगर आप एक किसी न्यू न्यू पर्सन से बात करें, कोई न्यू अट्रैक्शन है, सो ये कार्ड बताता है कि थिंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही हैं या बढ़ेंगी। काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है कि आप लोग का अट्रैक्शन बॉन्ड आगे और डेवलप होगा। जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी प्रकार के एस्टैब्लिश रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके इसमें चीज़ें बताते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है सो हीलिंग आएगी। आप किसी दोस्तों से बात कर सकते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी थर्ड पर्सन से भी जाकर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की हेल्प ले सकते हो, बट अदरवाइज़ कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखती है। एंड ऑल्सो अगर चीज़ें ऑलरेडी पॉजिटिव चल रही है तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप में लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कंट्री चेंज करने का सोच रहे हो, सिटी चेंज करने का सोच रहे हो, करियर में एक दूसरे को काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे रहे हो, आगे दोनों मिलकर अपना करियर कैसे अच्छा कर सकते हैं, कोई साथ में कोर्स करें, पढ़ाई करें, जो जैसी भी आपकी एज है, कहीं ना कहीं साथ मिलकर कुछ अच्छा पॉजिटिव ही आगे का सोच रहे हैं, जो कि अच्छा सक्सेसफुल होता हुआ भी दिखता है। सो ऑल ओवर आपके फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, लव लाइफ में आई सी कि ये वीक आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, पॉजिटिव एंड अच्छा फील करेंगे, मैं ये कहूँगी इन टर्म्स ऑफ करियर। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ आपके करियर एस्पेक्ट के लिए, सो करियर के लिए जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि यू नो कैंसर्स, अभी टाइम है कि आप सीधा एक्शंस लो, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। एंड अगर आप मान लीजिए कोई नए जॉब के लिए भी देख रहे हैं, सो ये वीक आप डेफिनेटली अपना 100% क्या 1000% दें जॉब सही ढूंढने के लिए, कोशिश करने के लिए, डू एवरीथिंग, बिकॉज अभी सारे ऑप्शंस ट्राई करने का टाइम है। सब कुछ कहते हैं ना, जो मर्जी कर लो आपने इस, अब जैसा भी समय चल रहा है उसमें आगे आपने बढ़ना है, एक्शंस लेने हैं, ट्राई करना है, सोचने का या अपॉर्चुनिटी का वेट करने का टाइम नहीं है, बल्कि ये होता है ना ग्रैप करने का टाइम है। सो ऐसी एनर्जीज दिखती हैं ना, जो भी आपके पास टैलेंट है बस स्टार्ट करो, जो भी आपके, मे बी मैं कहूँगी जो भी काम, जो भी जॉब, जो भी चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी आती भी बस उसको ले लो, बहुत ज़्यादा सोच समझने में उसका टाइम वेस्ट मत करो। सो कहीं ना कहीं एक्शन टेकिंग के कार्ड्स है कैंसर आपके लिए कि जस्ट मूव अहेड, आगे बढ़े। आप मुझे बताने कितने लोग कोविड में अभी ट्रैवल कर पा रहे हैं, आप इस कंट्री से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट कैंसर्स के लिए कहीं ना कहीं ये वीक में ट्रैवल भी बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका इंटरनल सिटी टू सिटी ट्रैवल हो सकता है, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल हो सकता है। ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी, बट डिपेंड्स आप ये कहाँ से देख रहे हो। सो जितने भी कैंसर्स हैं उनको मैं कहूँगी ये वीक में एक अच्छा पॉजिटिव वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, या फैमिली आउटिंग भी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ में। आगे अगर हम बात करें तो जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस के कार्ड हैं वो हैं द फोकसिंग ऑन पीस। ये वीक में आप कहीं ना कहीं ऐसे रहोगे कि यार लाइफ में कंटेंटमेंट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, यू नो हर चीज़ आपको, पैसा खुशी नहीं दे सकता, आपकी फैमिली, आपका खुद की लाइफ, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एक बैलेंस रखना। एंड यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस सजेशन भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये हमेशा रिमाइंड कराते रहें कि हार्मनी, पीसफुल रहना आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहते ना कि आप हेल्दी हैं, आप शांत हैं, आप स्टेबल हो, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके चिंता कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ कि नो पीस इज़ इम्पॉर्टेंट, अपने साथ में हार्मनी, पीस रखें। इसको और इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का साथ ज़रूर ले सकते हैं, बट कार्ड्स आपको कह रहे हैं नो दैट कीप योर फोकस ऑन पीस। ज़िंदगी के जो भी काम हैं सब करने हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बट साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी का एंगल, शांति, पीस, सब इसको भी फोकस देना है। इसके लिए फोकसिंग ऑन पीस, योर इनर हैप्पीनेस, योर इनर जॉय, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना है, सारा बैलेंस मुझे आपके लिए दिख रहा है। कैंसर रीडिंग सच में बहुत अच्छी आई है, आई होप आप इस एनर्जी से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाते हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।